जिला चिलवाहा रेंज के अंतर्गत बड़वारा बीट के ग्राम भिलाया गांव में लंबे समय से जंगलों की कटाई कर सागौन की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। लकड़ी चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि वह फॉरेस्ट विभाग के भी कोई डर नहीं था। लेकिन सुल्तानपुर चिलवाहा रेंज के नए रेंजर ने प्रभार संभालते ही मुखबिर की सूचना मिली कि जंगलों की अवैध रूप से कटाई कर लकड़ी की तस्करी मिलाया गांव में की जा रही है। जेपी वर्मन रेंज के तुरंत अपने वन रक्षक और पुलिस स्टाफ फोर्स के साथ ग्राम मिलाया में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें सागौन की लकड़ी काटने को आराम मशीन, दरवाजे, चौखट, खिड़की और सागौन की लकड़ी भारी मात्रा में जब्त की। लकड़ी तस्कर वन आमले को देखकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं रेंज जीपी बर्मन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंच भीमा बंजारा, प्रभु बंजारा, इला बंजारा, भोला बंजारा, प्रकाश बंजारा, इन लोगों पर लकड़ी कटाई तस्करी के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 40 नंग लकड़ी जब्त की गई है। इसमें 5 आरोपी हैं और ये आपका मतलब 2 बीट है हमारी, एक बगवाड़ा बीट है, एक भरदा बीट है जी। उसके बीच में गांव है जी, भिलाया गांव, वहां से जब्त की गई है जी। 5 आरोपियों के यहाँ लकड़ी कितने मिली है हमको जी, जिसमें करीब चौखट भी मिली है, 4 चौखट हैं, कुछ खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और आपके लकड़ी कितने चरपट हैं, कुछ बिगड़ चली हुई लकड़ी जब्त की गई है जी। सुल्तानपुर से बीके जोशी की रिपोर्ट।